अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम खेलने वाले GTA Vice City दोबारा से। लास्ट टाइम का आपको एपिसोड याद होगा, हमने काम किया था डियाज के लिए और डियाज ने हमें भेजा था बोर्ड को चुराने के लिए, क्योंकि वो माफिया चुरा कर ले गया था। और डियाज ने हमें कहा था कि भाई तुम जाओ और जाकर वो मेरे लिए बोर्ड ले आओ, और हम गए थे उस जगह पे। जितना भी माफिया था और जितने भी माफिया के लोग थे, हमने उनको सबको किल कर दिया था, मार दिया था, और उस बोर्ड को चुरा कर ले आए थे, क्योंकि डियाज ने हमें कहा था कि भाई वो बोर्ड बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, तुम किसी तरह भी जाकर उस बोर्ड को ले आना। तो फाइनल हमने वो बोर्ड हैंगर पे थी, हमने उस हैंगर से बोर्ड को चुरा कर ले आए थे, और हमने डियाज को बता दिया था कि भाई हमने तुम्हारे डियाज मेंशन की बैक साइड पे बोर्ड को पार्क कर दिया, और उसको बताकर हम जो है वापस कर रात होटल आ गए थे। मैं वापस अभी अभी मेरे पास एवी का फोन आया, और एवी मुझे कह रहा है कि यार तुम सीधा मेरे जो कंस्ट्रक्शन की साइड पे आ जाओ, क्योंकि मैं अभी उसी जगह पर हूँ, और वो कह रहा है किसी माफिया वगैरह के साथ कोई डील करना है, और तुम जो है ना मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बाकी जो बात बता देता हूँ। और आज वैसे भी थोड़ा सा मौसम ख़राब है, देखते हैं एवी आ जाए क्या कहता है, और सीधा चलते हैं एवी के पास। चलो गाइस, मैं आ चुका हूँ, और जो एवी ने हमें जगह बताई थी, मैं उस जगह के बिल्कुल इसमें सामने आ चुका हूँ, और एवी से बात करते हैं, और एवी से देखते हैं आज हमें एवी क्या काम देता है। चलो गाइस, मेरी एवी से बात हो चुकी है, और एवी ने मुझे अभी ये बताया किसी एशियन गैंग के किसी लीडर को मारना है, और साथ ही साथ उसने मुझे ये भी बताया कि तुम किसी और गैंग के कपड़े पहन लेना, और कपड़े पहन के तुम उसके पास चले जाना, सीधा तुम उसको मार देना पहले तो, या हो सके तो तुम स्नाइपिंग यूज़ करना, या अगर स्नाइपिंग नहीं तो उसमें वहाँ जितने भी गैंग के मेंबर होंगे तुम सबको मार सकते हो। लेकिन उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने ये करना है कि तुमने उसको स्नाइप से ही मारना है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसको स्नाइपर से ही मारने की कोशिश करें, लेकिन अगर वहाँ मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया तो हम जो है मशीन गन भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, या हो सका तो पहले तो स्नाइपिंग ही यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अभी चलते हैं कपड़ों की दुकान पर और कपड़े चेंज करते हैं। एवी ने जैसे हमें बताया कि तुम किसी और गैंग के पहले ना, अगर वो शक करता है तो फिर वो किसी और गैंग के कपड़े होंगे, तो फिर वो कहेगा ये किसी और के गैंग का बंदा था, क्योंकि हमें यहाँ और उस सीढ़ी में कोई जानता तो नहीं है। एवी ने इसलिए हमें कहा है कि भाई तुम जाओ उसको जाके मार दो। अभी चलते हैं सीधा उसी के पास, पहले कपड़े चेंज करेंगे और फिर स्नाइपिंग से उसका काम तमाम कर देंगे। चलो गाइस, जो हमें एवी ने एड्रेस दिया था हम उस एड्रेस पे आ चुके हैं, और ये क्लोथ शॉप आ गई, इस क्लोथ शॉप से जो है ना अपने कपड़े चेंज करते हैं। चलो गाइस, फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और पता नहीं किस गैंग के कपड़े हैं, क्योंकि एवी ने कहा है बस तुम उस शॉप पे जाओ, उस शॉप पे जाकर इस तरह के कोई कपड़े खरीद के चले जाना, और सीधा तुम उसको मार देना। और अभी मैंने इसी तरह कोई रैंडम किसी गैंग के मैंने कपड़े बस ले लिए हैं, कि उनको सिर्फ ये लगना चाहिए किसी गैंग के बंदे ने आके मारा है, कि ना कि एवी ने उसको मरवाया है। तो अभी चलते हैं उसके पास। चलो गाइस, जो हमें एवी ने एड्रेस दिया था हम उस एड्रेस के ऊपर आ चुके हैं, और साथ ही साथ थोड़ी सी मेरी गाड़ी जो थी वो डैमेज हो गई थी, तो मैंने गाड़ी भी चेंज कर ली है। और साथ ही साथ जो है मेरे पास अभी एवी का फोन आया, तो एवी ने मुझे ये कहा कि भाई तुम स्नैपिंग मत यूज़ करना। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तुमने कहा था स्नैपिंग यूज़ करना, अब तुम कह रहे स्नैपिंग यूज़ नहीं करना, तो मैंने उसे वजह पूछी। उसने कहा कि एक ऐसी वाइब क्रिएट करनी है कि लगना चाहिए कि कोई दूसरी गैंग का आया था बंदा, और जो है इस रशिया गैंग के ऊपर जो लीडर को मार कर चला गया, हो सका तो मशीन गन से इनसे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, इनके ऊपर फायरिंग करते हैं। चलो गाइस, मैंने फाइनली रशिया गैंग को मार दिया, और साथ साथ मैंने एवी को बता दिया कि भाई मैंने रशिया गैंग को मार दिया, और जो है उसका जो लीडर था मैंने उस लीडर को मार दिया, और साथ ही साथ जितने बंदों को हो सका मैंने उस बंदों को सारों को मार दिया था, और मार कर मैं बस वहाँ से निकल आया था। और अभी मेरे पास डियाज का फोन आया, डियाज कह रहा है यार तुम सीधा मेरे मेंशन आ जाओ, अभी चलते हैं सीधा डियाज मेंशन, और यही पास ही में है। चलो गाइस, फाइनली मैं डियाज मेंशन भी आ चुका हूँ, और डियाज यही पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी को, डियाज से जाके बात कर लेते हैं, डियाज से देख लेते हैं भाई क्या हो गया, क्योंकि अभी एक फोन आ रहा है, शायद डियाज का फोन होगा, तो मैं डियाज को बता दूंगा कि भाई मैं तुम्हारे मेंशन आ चुका हूँ, और मैं तुम्हारे जो है सीधा ही मेंशन के अंदर इंटर होता हूं, तो मैं तुमसे बात करता हूं, अभी फोन उठा लेते हैं। चलो गाइस, मेरी बात हो चुकी है, और जिस बंदे का फोन था वो लियो का पूछ रहा था, अगर आपको लियो का नहीं पता तो फर्स्ट एपिसोड से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लियो कौन था, और मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा भाई मैंने लियो को मार दिया था, पहले तो मैंने उसे पूछने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं बताया, तो हमने लियो को मार दिया था। और अभी अभी उसने मुझे अपना एड्रेस दे दिया था कि अगर जो है ना तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तुम जो है ना मेरी जी एड्रेस है तुम वहाँ आ जाना, और डियाज का भी मेरे फोन ही है, अगर डियाज का आता तो मैं डियाज को बता देता। अभी चलते हैं डियाज मेंशन के अंदर चलते हैं, और डियाज को बता देते हैं कि भाई मैं आ चुका हूँ। चलो गाइस, मेरी डियाज से बात हो चुकी है, डियाज ने मुझे अभी ये बताया किसी बोर्ड के ऊपर डीलिंग हो रही है, और मैंने उस डील को जाके फाइनल करना है, और उस डील जो हो रही है वो बोर्ड के ऊपर है, और उस बोर्ड से हमें ब्रीफकेस लेके आना, और हमारे साथ लेंस बांस भी चल रहा है, वो इस टाइम जो है बोर्ड के अंदर इंतजार करता है। अभी चलते सीधा बोर्ड के अंदर बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस, मैं इस बोर्ड को लेके निकल चुका हूँ, और साथ ही साथ अभी ये हुआ कि कुछ कॉम्पिटिशन वाले भी आ गए, और वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं हम तुमसे पहले वहाँ पहुँचेंगे, और मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम अपने ख्वाबों में वहाँ जाओगे। और साथ ही साथ इसने मुझे अभी थोड़ा सा धक्का दे दिया है, और ये थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी बोर्ड भी जो है स्लिपरी हो रही है इस टाइम, लेकिन मैं अभी फुल कॉन्सेंट्रेट करके जो है ना बोर्ड को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ही मूव कर रही है बोर्ड।
चलो गाइस फाइनली मैं उस बोर्ड के ऊपर आ चुका हूँ और इस बोर्ड के ऊपर डील फाइनल करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस हमने डील फाइनल कर ली और डील लेकर अब जो है वो ब्रीफ केस था, हमने ब्रीफ केस ले लिया और अभी इस वक्त जो है ये हम पे हमला कर रहे हैं और हमने इनको मार कर गिरा देना है। एक्चुअली अब डियाज मेंशन पे पहुंचने से पहले पहले हमने इसको गिरा देना है इन बोटों को, और मैं इस टाइम इनके जो है ना फ्यूल इंजन पे ही मैं गोली मारने की कोशिश करूँ कि इनकी जो है बोट ब्लास्ट हो जाए जल्द से जल्द। चलो गाइस फाइनली कुछ मैंने बोट्स को पहले किल कर दिया था कुछ, और अब ये एक ही बोट बची हुई है फाइनली, लेकिन ये एक बोट ज़्यादा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है तो थोड़ा सा निशाना लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और एम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलो गाइस फाइनली हमने उस सारी बोटों को क्लियर कर दिया, मार दिया और डील फाइनल करके डील फाइनल कर हम ले आए और अपनी बोट पे ही पार कर देते हैं। चलो गाइस मेरी लेंस मान से बात हो चुकी है और लेंस मान को मैंने बता दिया कि तुम जा सकते हो, और उसने मुझे डियाज मेंशन की बैक साइड पे उसने मुझे छोड़ दिया था और वो अभी लेंस मान चला गया, और साथ साथ में डियाज के साथ भी बात हो चुकी है। मैंने डियाज को बता दिया कि भाई एड्रेस दिया था मैं, उस एड्रेस पे जाके उस बोट के ऊपर जाकर मैंने उससे ब्रीफ केस जो लेना था वो ब्रीफ केस ले आया और मैंने उसको डियाज को ब्रीफ केस भी दे दिया है। और साथ साथ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हो, सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और आज के लिए इतना ही।